बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिनकी बीवियां भी मुख्तलिफ पेशों से तल्लक रखती हैं, ऐसे नाम पांच हैं और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। सोशल मीडिया सार्फीन बिलखसूस क्रिकेट से प्यार करने वाले शायकीन जिस तरह अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए हमेशा बेकरार रहते हैं, इसी तरह उनके लाइफस्टाइल और फैमिली के मुतलक जानने में भी दिलचस्पी जाहिर करते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की ज़िंदगियों, उनकी क्रिकेट और उससे मुंसलिक दीगर मौजूदात पर तो बातें होती रहती हैं, लेकिन आज हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्रिकेटर्स की अहलिया और उनके पेशे के बारे में जानेंगे। पाँच पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अहलिया जो मुख्तलिफ शोबों से तल्लक रखती हैं। नंबर एक, वकार यूनस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक लीजेंडरी फास्ट बॉलर वकार यूनस ने पाकिस्तानी टीम को कई शिकस्तों से बचाया है और दुनियाए क्रिकेट में भरपूर नाम कमाया। इसी तरह उनकी अहलिया फरियाल वकार भी मरीजों की जानें बचाती हैं। जी हां, वकार यूनस की अहलिया पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर और कप्तान वकार यूनस ने पाकिस्तानी निजात आस्ट्रेलवी खातून फरियाल वकार से 2000 में शादी की। दूसरे नंबर पर है शनीरा अकरम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तारीख के मायानाज लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम को कौन नहीं जानता। ख्याल रहे वसीम अकरम की पहली अहलिया का 2009 में इंतकाल हो गया था। फिर 2013 में वसीम अकरम ने ऑस्ट्रेलवी खातून शनीरा थॉम्सन से दूसरी शादी की। शनीरा थॉम्सन अब जो शनीरा अकरम बन चुकी हैं, पेशे के अतबार से समाजी कारकुन हैं और आए रोज़ वो समाजी सरगर्मियों में मसरूफ दिखाई देती हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर भी मुतहरक रहती हैं। नंबर तीन, मोहम्मद आमिर। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने 2016 में एक पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून नरजिस मलिक से शादी की। मोहम्मद आमिर की अहलिया नरजिस आमिर पेशे के लिहाज से वकील हैं। 2009 स्पॉट फिक्सिंग केस मंजरे आम पर आने के बाद जब ICC की जानब से मोहम्मद आमिर पर क्रिकेट खेलने की पाबंदी आयद की गई थी, तब नरजिस मलिक ने स्पॉट फिक्सिंग केस में मोहम्मद आमिर के लिए मुकदमा लड़ा, जिसका फैसला मोहम्मद आमिर के हक में आया था। नरजिस ने मोहम्मद आमिर की बहुत मदद की, जिससे मोहम्मद आमिर बहुत मुतासर हुए। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इस दोस्ती का नतीजा शादी की सूरत में निकला। वकील नरजिस मलिक ने शादी का मुकदमा जीत लिया। अब दोनों की एक बेटी है। नंबर चार पे है हसन अली। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली भी एक भारतीय खातून सामिया आरजू से 20 अगस्त को शादी के बंधन में बंध गए थे। उनकी होने वाली अहलिया फ्लाइट इंजीनियर हैं और उनका ताल्लुक भारत की रियासत हरियाणा से है। सानिया मिर्ज़ा। ऑलराउंडर शोएब मलिक की अहलिया से तो आप सब भी वाकिफ हैं, जो भारत की एक मशहूर टेनिस स्टार हैं। 2010 में शोएब मलिक की सानिया मिर्ज़ा से शादी की खबर किसी धमाके से कम नहीं थी। इस शादी पर सानिया मिर्ज़ा को भारत में कुछ लोगों की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा। शोएब मलिक का तल्लक पाकिस्तान के शहर सियालकोट से है, जबकि सानिया मिर्ज़ा भारतीय शहर हैदराबाद से हैं। दोनों की चंद मुलाकातें हुई और फिर अहदो पैमान हुए। पाकिस्तान में इस शादी पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। सानिया मिर्ज़ा को भारत में पद्मश्री, पद्म भूषण और कई दीगर अवार्ड मिल चुके हैं। ये क्रिकेट और टेनिस स्टार की शादी है और खुश आइंद बात यह है कि ये कामयाब शादी है। दोनों यानी शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा साहिब औलाद हो चुके हैं और उनके बेटे का नाम अजहान मिर्ज़ा मलिक है। तो मौजूद नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने पांच पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में बात की कि जिनकी बीवियां भी मुख्तलिफ शोबों से तल्लक रखती हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। वाखरुदावाना अनिलहमदुल्ला रबीआलमीन।